अब इस भुगतान से जुड़ा ये प्रश्न मेरे दिमाग में है स्वामी जी, कि हम पांच लोग सो रहे हैं, चार बड़े आराम से खर्राटे मार रहे हैं और एक व्यक्ति को मच्छर खा रहे हैं, जबरदस्त खा रहे हैं, और हम एक एक ही गाड़ी के अंदर छह लोग जो यात्रा कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंदर एक बच जाता है, पांच गुजर जाते हैं, और बराबर जो है अध्ययन करने वाले लोग, एक से होशियार व्यक्ति है वो तो रह जाता है, और कुछ नहीं पढ़ करके व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो स्वामी जी ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैंने लिमिटेड दिए, मैं सारे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। ये सारा कैसे होता है और क्यों होता है, ताकि कि हम संतुष्ट हो जाएं कि भाई ये सब कुछ हमारे भुगतान से जुड़ा हुआ है, बताइए। समाज में जो असमानताएं दिखती है, व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के कार्य के रूप में, व्यक्ति की परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के संजोग के रूप में जो असमानताएं दिखती है, असमानता का मतलब होता है आम आदमी उसको समझ नहीं सकता है। जैसे प्लेन क्रैश हो गया, एक बच्चा बच गया, बाकी सब गुजर गए, ऐसा होता है। स्टीमर के अंदर लोग बैठे थे, 500 लोग, स्टीमर डूब गई और एक लकड़े के सहारे एक इंसान बच के 100 किलोमीटर दूर आके बाहर निकल गया, बाकी सब मर गए। ऐसा क्यों होता है? जीवन में बहुत सारी मेहनत करने वाले लोग असफल रहते हैं, और पुण्यशाली लोग बिना मेहनत, थोड़े से प्रयास से अब जो रुपया प्राप्त करता है, क्यों? पॉलिटिशियन लोग गलत काम करते हैं, इसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, टीवी, न्यूज़पेपर और मीडिया में उसका बार बार नाम आता है, और अच्छे काम करने वाले समाज के अच्छे लोग जो लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और सच्ची बात बता रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से वो बात बता रहे हैं, फिर भी उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसी असमानताएं दिखती है हमको? तो इसका मतलब ये है, ये कलयुग है। सतयुग में भी ऐसा था, कलयुग में भी ऐसा है। जो दिखावे करने वाले हैं उसी का ही मार्केटिंग होता है। जो लोग शांत हैं, स्वस्थ हैं, स्थिर है और अंदर से समृद्ध होते हैं, वो कभी दिखावा करने का प्रयास भी नहीं करता है, बार बार लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं करता है। उनकी एक ही बात है, मेरी भावना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं लोगों को बांटता रहूँ, मगर बांटने के लिए जो संजोग मिलना चाहिए वो कुदरत का काम है। तो वो प्रार्थना जरूर करता है मगर प्रोपेगंडा नहीं करता है, और इसीलिए जीवन में ऐसी असमानता दिखेगी तो डरने की जरूरत नहीं है, या तो गलत समझने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखो, कुदरत के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो गलत काम करता है और बाद में आनंद व्यक्त करता है, उनके लिए सजा भी ऐसी ही होगी, और जो सही रास्ते पर चल रहा है और वो अपना कर्तव्य समझता है, उनके लिए भी संजोग बहुत अच्छे आएंगे, ताकि उनका जो ज्ञान है, उनका जो विज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो लाखों लोगों तक पहुंच सकेगा। और मैं भी बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ, अभी जो आपके सामने ये अध्यात्म विज्ञान, आर्ट ऑफ विजन के रूप में, स्पिरिचुअल साइंस के रूप में जो आपके सामने पेश हो रहा है, ये विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है। जो रामकृष्ण महावीर जैसे समर पुरुषों ने जो ये कुदरती कानून को जो अनुभव किया है, अनुभव करने के बाद लोगों को जो बांटा था, वही सेम विज्ञान आज मैं आप सबको बांट रहा हूँ। मगर मेरे को इतना विश्वास है कि ये विज्ञान के माध्यम से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन होने वाला है, चाहे आज होवे, चाहे कल होवे, चाहे परसों होवे, मगर होने वाला है वो सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसा विज्ञान हजारों साल से लोगों के सामने इस इतनी सरल भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में और सटीक उदाहरण के माध्यम से प्रकट नहीं हुआ है कहीं सालों से। तो आज जो हो रहा है, मैं समझता हूँ ये लोगों का सद्भाग्य है, लोगों का पुण्य है, ताकि हम ये बात को पेश कर सकते हैं। तो ये संजोग भी हमको कुदरत ने ही दिया है, और आगे का काम भी कुदरत ही करने वाली है, हम तो सिर्फ निमित्त है।